कैसे हैं आप लोग? गर्मी बहुत पड़ रही है, मैंने सोचा क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा बनाया जाए। तो आज मैं बनाने जा रही थी मावा स्टफ मैंगो कुल्फी, जिसके लिए मैंने 2 मैंगो लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहो तो ज़्यादा ले लेना। मैंगो को इस तरह से कट करेंगे। मैंने मैंगो को अच्छे से धो लिया है और किचन टॉवल से ड्राई कर लिया है। तो कट करने से पहले आप एक बार मैंगो को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद ही कट करना है। और इसके गुठली को निकालना है आराम से, इस तरह से करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से कर देंगे, बहुत ही आराम से निकल जाएगा ये गुठली। कोई सा भी कप या ग्लास ले लीजिए और इस तरह से मैंगो को रख देना है। और ये जो गुठली में जितना भी गूदा लगा हुआ है ना, ये सारा इसी के अंदर डाल देना है। वापस से मैंगो के अंदर में सभी को डाल देंगे। जितना भी गूदा था गुठली में लगा हुआ, मैंने सारा डाल दिया है इसी में। और इसी तरह से दूसरे आम को भी कर लेना है। दोनों ही मैंगो के गुठली को निकाल लिया है और सारा पल्प इसी के अंदर में डाल दिया है। तो अभी इसको हमें फ्रीज़र में रख देना है। तो मैं इसे फ्रीज़र में रख दे रही हूँ। एक पैन लिया है मैंने, थोड़ा सा मावा ले रही हूँ। अगर आपके पास में मावा नहीं है तो आप घर में भी रबड़ी रेडी कर सकते हो। या तो दूध को जला लीजिए, या तो फिर इंस्टेंट रबड़ी बनता है ना, आप उस तरह से भी बना सकते हो। जैसे मैंने अभी मावा लिया है, तो आप मावा के जगह में दूध ले लो और दूध का पाउडर दोनों को अच्छे से पहले मिक्स करना है नीचे ही रख करके। और जब ये अच्छे से दूध और मिल्क पाउडर दोनों ही गाढ़ा होने लगे, उसमें एक स्लाइस ब्रेड का डाल दीजिए। साइड के कॉर्नर को निकाल लीजिए और छोटे छोटे पीस में कट करके डाल दीजिए। मैंने इंस्टेंट रबड़ी बनाने की रेसिपी डाल रखी है जलेबी के साथ में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मैं 2 मैंगो से बना रही हूं, इसलिए थोड़ा सा ही मावा लिया है। अगर आप ज़्यादा से बनाओ तो ज़्यादा मावा ले लेना या इंस्टेंट रबड़ी बना लेना। और इसमें 2 टीस्पून की जितना दूध डालेंगे, बस थोड़ा सा इसको लूज़ करना है। चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैंगो पहले से ही बहुत मीठा है। अगर आपका मैंगो मीठा ना हो तो फिर आप थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हो, मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए इसको गैस के ऊपर में रखेंगे। गैस को ऑन कर दिया है, फ्लेम को हाई ही रखा है। बस हमें ये मावा मेल्ट होने तक ही इसे पकाना है। कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे पकाना है, छोड़ेंगे नहीं। मावा मेल्ट हो गया है। आप चाहो तो इस टाइम में थोड़ा सा कट करके ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल सा रखूँगी, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ इसमें। मावा मेल्ट हो गया है, गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मावा को मैंने ठंडा कर लिया है हल्का सा, और ये मैंगो को भी मैंने डीप फ्रीजर से निकाल लिया है। अभी इसके अंदर में अच्छे से स्टफ करेंगे। ये ऊपर वाला जो कट करके निकाला था, इस तरह से डाल देंगे। इसको भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। दोनों ही मैंगो को मैंने स्टफ कर लिया है, तो इसे मैं डीप फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए रख दूंगी और मॉर्निंग में फिर कट करके दिखाऊंगी। तो नाइट के लिए मैंने मैंगो को रख दिया था फ्रीज़र में, ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अभी निकाल लिया है और एक तेज़ नाइफ लिया है। तेज़ नाइफ से ही हमें इसे छीलना है, आराम से इसका छिलका निकल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से कट करेंगे। आप मोटा पतला अपने हिसाब से कट कर सकते हो। गर्मी का मौसम है, बनाइए ठंडा ठंडा और इन्जॉय कीजिए।